हेलो गुड इवनिंग एंड स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार रीजनिंग की एक और धमाकेदार क्लास में गुड इवनिंग गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग रात की दस बजे वाली क्लास यानी रीजनिंग में जिस भी एग्जामिनेशन में जिस भी लेवल के और जिस भी वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं उस लेवल उस वैरायटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली क्लास ठीक आ, वैसे यहां पर मैंने एक प्लान किया था कि डायरेक्ट मॉक टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट कर दो बट लास्ट टाइम जब आप लोगों से टेलीग्राम पर बात हुई थी तब मुझे आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था ब्लड रिलेशन फ्लैट एंड फ्लोर थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्लास ठीक तो तो फ्लैट एंड फ्लोर वाले टॉपिक पर तो कल क्लास ले लिया मैंने आज ब्लड रिलेशन पर क्लास लेंगे और ये सारा का सारा ब्लड रिलेशन इजी मॉडरेट और एग्जामिनेशन के हिसाब से डिफिकल्ट और उसके आगे आईबीपीएसम्स का एग्जाम जिस लेवल पर जाएगा उससे आगे जाकर आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे बट सीधा डायरेक्ट उस लेवल के क्वेश्चन पर नहीं जाएंगे धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे ठीक तो सब लोग एक चीज बता दो कि इसके बाद आप लोग पहले टॉपिक वाइज थोड़ा सा एक रिवीजन टाइप्स चाहते हो मतलब आज की क्लास खत्म होने के बाद कल से टॉपिक वाइज रिविजन स्टार्ट हो और उसके बाद मॉक टेस्ट हो या सीधा कल से मॉक टेस्ट पर टूट पड़े सेशन होने के बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना ठीक है हाँ रिश्ते बनते ही है परेशान करने के लिए देखो जिंदगी में अगर रिश्ते परेशान कर रहे हैं तो एक चीज आपको बता रहा हूं एक मंत्र आपको बता रहा हूं मंत्र है ओम इग्नोराय ओम इग्नोराय नमः इग्नोर करते जाओ इग्नोर करते जाओ इग्नोर करते जाओ क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिविटी को एंटरटेन करते हो ना साला उतना ज्यादा नेगेटिविटी अपने पास आती है तो आने ही मत दो आने ही मत दो नेगेटिविटी को दूर रह तू दूर एंटरटेन करो ही नहीं ठीक तो जिंदगी में जो रिलेशन परेशान करते हैं उसके लिए क्या करना मैंने बता दिया अब एग्जाम में जो रिलेशन परेशान करेंगे उनके लिए ये क्लास है ठीक जल्दी से मुझे बताना आज के सेशन के लिए सब लोग रेडी हो या एक्साइटेड आर यू रेडी और एक्साइटेड फॉर दिस सेशन जल्दी से बताना सेशन के लिए रेडी हो या एक्साइटेड हमेशा की तरह एक दमदार थॉट के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे थॉट आपके सामने है अगर सोचा है तो पूरा होगा अगर सोचा है तो पूरा होगा बस शर्त यह है कि शुरू आज अभी से करना होगा तुझे दुनिया से बाद में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले अपने आप से लड़ना होगा मैं बहुत बार कहता हूं कि आपके और आपके सिलेक्शन के सक्सेस के बीच में एक ही इंसान आता है और वो आप खुद हो आपकी कुछ आदतें होती है टालने की आदत आज नहीं कल करते यार ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है थोड़ी देर बाद में करता हूं यार ये चीजें है मेरे से बनती नहीं है तो ये करता ही नहीं हूं है ना छोटे छोटे टारगेट्स हम अपने आप को कमिट करते रहते हैं आज मैं इतना पढ़ूंगा आज मैं ये सारी चीजें कवर कर लूंगा बट करते नहीं है, है ना तो ये जो हमारी ऐसी आदतें हैं, छोटी छोटी जो हमें सिलेक्शन से दूर रखती है उन्हीं आदतों से लड़ना है बस अपने आप से जीत गए सिलेक्शन आपसे कोई छीन नहीं सकता ठीक है ओके तो अभी आज के सेशन में वन बाय वन एक एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा ए बी सी डी ई करके आपको कमेंट करना है पोल होगा आज की क्लास में और पोल में आपका आंसर टाइम के साथ नोट डाउन होगा बस एक रूल है अगर आंसर ऑप्शन ई आता है तो आपको ए करना है बस ठीक ओके चलिए तो फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर उड़ा दो जल्दी से उड़ा दीजिए भास्कर जी ने सबसे पहले आंसर दिया है बी बाकी सभी लोग बोल रहे हैं बी ठीक एक फैमिली में पांच जनरेशन है कितनी पांच जनरेशन ओ oh गॉड और सेवन मेंबर्स है यू इज नीस ऑफ बी यू कौन है सर बी की नीस है बी के भाई या बहन किसी की तो बेटी यू होगी क्यू इज मदर ऑफ बी क्यू बी की मम्मी जी है आई इज द मदर ऑफ क्यू आय क्यू की मम्मी जी है आई इज द वाइफ ऑफ ई आई ई की वाइफ है ठीक एम इज द मदर इन लॉ ऑफ ई की मदर इन लॉ यानी ई ने जिसके साथ शादी करी उनकी मम्मी होनी चाहिए थी कौन थी एम इज द मदर इन लॉ ऑफ ई एम ठीक है तो यहां पर M, e की मदर इन लॉ होनी चाहिए थी वाई इज द मदर ऑफ यू वाई यू की मम्मी जी है सात मेंबर थे एक दो तीन चार पांच छ सात बी का जेंडर बताओ सब लोग फैमिली ट्री हम लोगों ने ड्रॉ कर ली है बी का जेंडर मेल है या फीमेल फाइनल करने के लिए हमारे पास कोई भी जानकारी है क्या ना मुन्ना ना बी का जेंडर फाइनल कर ही नहीं सकते हाउ इज बी रिलेटेड टू ई बी का रिलेशन ई e के साथ क्या है तो बी का रिलेशन ई e के साथ हमें मालूम ही नहीं है हमें मालूम ही नहीं है ओके okay? तो यहां पर आंसर क्या होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड बी इज द राइट आंसर कितने लोगों ने सही आंसर किया था इस क्वेश्चन का 98% लोगों का आंसर सही था भास्कर जी ने 43 थ्री सेकेंड फेंटास्टिक प्रीति जी 48 एट सेकेंड डिफॉल्टर पचास सेकंड बहुत बढ़िया प्राची सिमरन कुमकुम सौरभ हर्षिता सेजल रेनू हीना बहुत बढ़िया सेकेंड क्वेश्चन था ऑड वन आउट ढूंढना था एम आई वाई यू एम आई वाई यू इनमें ऑड वन आउट कौन है फीमेल 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 ई अकेला मेल था तो ऑड वन आउट कौन हो जाएगा ऑप्शन सी सिर्फ ट्री बनानी है सबसे इजी क्वेश्चन आज के सेशन का अब इसके बाद धीरे-धीरे लेवल बढ़ते जाएगा और आपको जो पीओ के लेवल में क्वेश्चन में दिक्कत होती है ना पीओ में जो ब्लड रिलेशन आता है उसमें थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी पड़ती है उस टाइप के क्वेश्चन भी आज के इस सेशन में डिस्कस होंगे ठीक है आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन सॉल्व करो और सिर्फ पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना ए बी सी डी ई जो भी आपका आंसर आता है अगर आंसर ई e आता है तो आपको बस कमेंट ए करना है इतना ध्यान में रखो स्वाति जी गुड इवनिंग ऑप्शन ए सी और ए में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता हुआ ठीक है सात मेंबर्स है फैमिली में तीन जनरेशन है एस इज सिस्टर ऑफ जी पहला पॉइंट हमें दिया है कि एस जो है वो जी की सिस्टर है ठीक तो एस सिस्टर है किसकी जी की एम इज द वाइफ ऑफ जी जी की वाइफ एम है इसका मतलब जी मेल होना चाहिए एम हैज ओनली वन सन पी एम को केवल एक ही बेटा है और वो बेटा कौन है पी जे इज मदर ऑफ एम जे एम की मम्मी है जे इज मदर ऑफ एम जे इज मैरिड टू सी जे की शादी सी के साथ हुई है ठीक जे फीमेल है तो सी मेल मेंबर होना चाहिए सी सी हैज ओनली ओनली वन वन सन एंड डॉटर को एक ही ही बेटा है और एक ही बेटी है एक बेटी तो दिख गई एक बेटा सी का पिक्चर में दिखना चाहिए था वी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जी वी जी का ब्रदर इन लॉ होना चाहिए था वी फैमिली में सात लोग दिए थे चार और तीन सात हो कितने गए कितने लोगों की फैमिली ट्री बन गई कितने लोगों की फैमिली ट्री एग्जैक्टली ऐसे बनी थी बता देना हाउ इज पी रिलेटेड टू सी पी का रिलेशन सी के साथ क्या है सी के बेटी का बेटा है अब बेटी का बेटा कौन होता है बेटी का बेटा होता है ग्रांडसन एज दी राइट आंसर ठीक ऑप्शन ए इज राइट आंसर कितने टाइम में आप लोगों ने सॉल्व किया था जरा देखते हैं ठीक 96% लोगों का आंसर सही था यश चंद अक्षिता भास्कर अभिज्ञान प्रदीप यामिनी त्रिशा कुमकुम मायरा यादव सेजल सोनाली बहुत बढ़िया सेकंड क्वेश्चन था इसके ऊपर एस का रिलेशन एम के साथ क्या है एस का रिलेशन एम के साथ एम के हस्बैंड की बहन है हस्बैंड की बहन कौन होती है सिस्टर इन लॉ डी इज द राइट आंसर ठीक आगे चलते हैं आगे चलिए उड़ा दीजिए डी के साथ मेजोरिटी जा रही है चलिए देखते हैं। सात मेंबर्स है फैमिली में एंड चार जनरेशन है के इज मम्मी ऑफ डी के जो है वो डी की मम्मी जी होनी चाहिए थी ठीक के इज मदर ऑफ डी B is the husband of K. B is husband of K. <coughs> o is the only brother of D. O जो है वो D का इकलौता भाई है D को O के अलावा और कोई भाई नहीं होगा D को बहने हो सकती है O is the only brother of D. F is married to O. F की शादी O के साथ हो चुकी है F male तो O. O male तो F female. एस इज द ओनली चाइल्ड ऑफ एफ एफ का एक ही चाइल्ड है और वो एस है ओ ड नॉट है कोई बहन नहीं है डी मेल होना चाहिए था एंड एच इज दर ऑफ बी एच जो है वो बी के पापा है एच कौन है पापा है किसके बी के ठीक है? है तो अब यहां पर पहला सवाल था हाउ इज एफ रिलेटेड टू के एफ का रिलेशन के साथ क्या है K के बेटे के वाइफ है बेटे की वाइफ कौन होती है डॉटर इन लॉ डी इज द राइट आंसर कितने टाइम में आप लोगों ने दिया जरा देखते हैं ठीक है कितने टाइम में आप लोगों ने आंसर दिया जरा देखते हैं 95 परसेंट लोगों का था, है ना प्रीति सिंह अमृता हर्षिता लोकेन्द्र अभिज्ञान सेजल अनुप्रिया आ बिना पानी साहू निकिता साक्षी गिरधारी भारती स्मार्ट बॉय बारह पंद्रह सेकेंड के अंदर आंसर आ रहे हैं फैंटास्टिक बहुत बढ़िया ठीक है आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर यह रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों के साथ अरे रुको एक क्वेश्चन सॉल्व करना भूल गए हम एस ओ का बेटा है तो एस का रिलेशन बी के साथ क्या होगा अगर एस ओ का बेटा है तो एस का रिलेशन बी के साथ बी के बेटे का बेटा होगा बी के बेटे का बेटा होगा यानी ग्रांड सन होना चाहिए था इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा ठीक इस क्वेश्चन का आंसर सोल्व करो जल्दी से चलिए बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर

जो ब्रदर इन लॉ से परेशान है शादी किए भी नहीं है अभी फिर भी ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ इन लोगों से परेशान है ब्लड रिलेशन में इनको कैसे हैंडल करना है, यही समझ में नहीं आ रहा है कितने लोग हैं ऐसे देखो दो डेफिनेशन हमने डिस्कस करी है ब्रदर इन लॉ की दो डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस करी है एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं ब्रदर इन लॉ कानूनी भाई कौन होता है जिसके साथ शादी की उसका भाई ब्रदर लॉ कौन होता है जिसके साथ शादी की है ना जिसके साथ शादी की उसका भाई ठीक ये ब्रदर लॉ को पहला रिलेशन है नहीं तो ब्रदर इन लॉ के लिए एक और रिलेशन हम कंसिडर करते हैं कौन ब्रदर इन लॉ हमारे सिस्टर के हस्बैंड ठीक ब्रदर इन लॉ किसको बोलते हैं हम सिस्टर के हस्बैंड को भी हम ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं ठीक सिस्टर के हस्बैंड को भी हम ब्रदर इन लॉ ही बोलेंगे ओके जैसे जैसे जब जब ब्रदर इन लॉ का रिलेशन सामने आएगा ये दोनों चीजें खोपड़ी में ऐसे क्लियर होनी चाहिए एकदम क्लियर होनी चाहिए ठीक है तो अब देखो यू इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एम जैसे ही आपके सामने आया तो आपके दिमाग में ये पिक्चर बन जाना चाहिए था you, M का ब्रदर इन लॉ है इसका मतलब एम ने जिसके साथ शादी करी है उसका भाई यू होगा यू इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एम एम ने जिसके साथ शादी की उसका भाई यू होगा नहीं तो नहीं तो हमने ब्रदर इन लॉ का एक और डेफिनेशन क्या देखा सिस्टर के हस्बैंड तो एम की जो भी सिस्टर होगी उसके हस्बैंड यू होंगे दोनों में से कोई तो एक पॉसिबिलिटी होगी कोई तो एक पॉसिबिलिटी होगी दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर करो जिस जिसने दोनों पॉसिबिलिटीज कंसीडर करना सीख गया अब देखो आप इनिशियल लेवल पर हो अगर आप इनिशियल लेवल पर हो तो आपको यह शायद ऐसा करना पड़ सकता है देखो मैं दोनों पॉसिबिलिटीज कंसीडर कर लेता पहली पॉसिबिलिटी एम ने जिसके साथ शादी करी एम ने जिसके साथ शादी करी उसका भाई यू है ऐसे मैं मान के चलता हूं पहली पॉसिबिलिटी मैंने कंसिडर कर ली बिगिनर हो तो ये अप्रोच सही है बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ये अप्रोच खत्म करनी है सारी चीजें दिमाग में चलनी चाहिए ठीक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी के यू उसका हस्बैंड है यू उसका हस्बंड है जो एम की बहन है एम की बहन का हस्बैंड यू तो दो पॉसिबिलिटीज कंसीडर करना सबको समझ में आ गया वाई लिख दो एकदम बेसिक तरीका बता रहा हूं एकदम बेसिक है ना आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उस कॉन्फिडेंस की मदद से आप प्रैक्टिस करते रहे करते रहे करते रहे आप बिना दो केसेस बनाए साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर सकते ठीक है तो चलो यू हु इन लॉ ऑफ एम यहां तक हमने सारी कहानी सॉर्ट आउट कर दी क्यू इज ग्रैंड सन ऑफ वाई वाई ई वाई के पप्पा है पप्पा जी है वाई किसके E ई के एंड क्यू वाई का ग्रैंड सन है पॉसिबिलिटी समझ में आ गई किस किस को समझ में आ गया मैंने ये पॉइंट ऐसा लिखा और यह पॉइंट ऐसा लिखा क्यों लिखा किस किस को समझ में आ गया वाई ई के पापा थे और क्यू वाई का ग्रांडसन था दो पॉसिबिलिटीज बन सकती थी पहली पॉसिबिलिटी ऐसे बन सकती थी कि e का ही बेटा क्यू हो पहली पॉसिबिलिटी ये बन सकती थी e का ही बेटा दूसरी पॉसिबिलिटी सर ऐसे बन सकती थी कि के, के दो चिल्ड्रन हो दो में से एक चाइल्ड ई e हो ओके और इनका बेटा क्यू हो इनका बेटा क्यू ये दो पॉसिबिलिटीज बन सकती थी और ये दोनों पॉसिबिलिटी खोपड़ी में क्लियर रहे इसके लिए दो पॉइंट्स अलग नोट डाउन कर रखे ठीक एकदम डिटेल में हर एक एंगल एक्सप्लोर करके ब्लड रिलेशन बता रहा हूं थॉट प्रोसेस ऐसी ही रखनी है ठीक है यू एंड ई आर अनमैरिड यू की और ई e की शादी हुई नहीं है ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी यू और ई e की शादी हुई नहीं है इसमें तो हमने करा दी थी उसको तो शादी करनी नहीं है कर दो कैंसिल इधर ध्यान दो भी e अनमैरिड है ठीक है ई अनमैरिड है तो अब पंगा क्लियर हो गया ना e का अगर अनमैरिड है तो उसका चाइल्ड कंसिडर नहीं करना ठीक चलो A has only वन डॉटर एंड शी इज मैरिड ए को एक ही बेटी है ए को एक ही बेटी है और उसकी शादी हो चुकी है एक ही बेटी पिक्चर में दिख गई अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि तीन थी, थी, जनरेशन है और दो मैरिड कपल है फैमिली में दो मैरिड कपल होने चाहिए थे और तीन जनरेशन पिक्चर क्लियर है सर देखो. को करेगा और क्यों थर्ड जनरेशन को बिलोंग करेगा तीनों जनरेशन हमारे सामने ये कंडीशन में है अब इसको इधर रिलेट करने जाए तो कहां और कैसे रिलेट करेंगे वाई मेल है टेक वाई मेल मेंबर है अब वाई की शादी करा देते ग्रैंड चाइल्ड है वाई की शादी करा देते तब लोगों का कॉम्पैक्टनेस सही हो जाएगा किसके साथ शादी करा सकते हो जरा सोचो वाई की शादी किसके साथ करा सकते हो वाई खुद मेल मेंबर है इधर नहीं करेगा इसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है इसके साथ भी नहीं करेगा वाई खुद मेल मेंबर था तो वाई की शादी ए के साथ हो जाएगी समझ में आ रहा है दिमाग कैसे लगाना दिमाग कैसे लगाना है समझ में आ रहा है ठीक अब वाई का ग्रैंड चाइल्ड क्यों था यू की शादी नहीं हुई है की शादी नहीं हुई है, तो ग्रैंड चाइल्ड इसी का बेटा होगा ठीक तो फैमिली में सात मेंबर थे एक दो तीन चार पांच छह मेंबर तो दिख गए अब हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि वाई का एक चाइल्ड ई होना चाहिए था और ई का शादी नहीं हुआ है वाई का एक चाइल्ड ई होना चाहिए था और ए की शादी नहीं हुई है तो वाई का चाइल्ड ई यानी ई इधर नहीं ले पाएंगे क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी ई फाइनल हो गया ठीक सारे लोग हो चुके थे फैमिली फा, में एक आखिरी इंसान बचा था आई आई फाइनल हो गया सब लोग मुझे बताएंगे क्या हम का जेंडर फाइनल कर सकते हैं क्या हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी मदद से एक अजेंडर फाइनल हो जाएगा हमारे पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसकी मदद से ए हैज ओनली वन डॉटर नहीं है? है मेरे पीछे पीछे बोल दिए इधर कौन पड़ेगा इधर कौन पड़ेगा ए हैज ओनली वन डॉटर ए को क्रांतिकारी लोगों एक ही बेटी थी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो मेरे पीछे बोल दिए नो 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 ए को एक ही बेटी थी तो ई बेटी हो नहीं सकती ई बेटा हो जाएगा अब फैमिली कंप्लीट हो गई ये परिवार अब पूर्ण हो गया <coughs> ठीक डिस्कशन क्लियर है ब्लड रिलेशन में पॉसिबिलिटीज कैसे सोचनी है समझ में आ रहा है तो वाई लिखो जल्दी से पॉसिबिलिटीज कैसे सोचनी है समझ में आ रहा है तो वाई लिखना जल्दी से ठीक है क्योंकि देखो पीओ में या क्लर्क मेंस में ब्लड रिलेशन को अगर सॉल्व करना है तो ये पॉसिबिलिटीज समझ में आना जरूरी है ठीक है हाउ इज एम रिलेटेड टू ई एम किस तरीके से ई से रिलेटेड है ई की बहन के हस्बैंड है बहन के हस्बैंड कौन होते हैं कानूनी भाई बर्दर इन लॉ ठीक है आंसर right सही था बाकी लोग ध्यान दो अभी गलत हो जाए चल जाएगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है गलती है जितनी करनी है सेशन में करो एग्जामिनेशन में गलती नहीं होनी चाहिए ठीक है स्मार्ट बॉय गिरिधर डे नए नए नाम दिख रहे हैं मुझे आज सारे टॉपर्स लोकेंद्र पूजा इट्स ठाकुर योर पैराडाइज अनुप्रिया सेजल कुमकुम -कुम, कुमारी शिवानी साक्षी ठीक है बहुत बढ़िया फैंटास्टिक चलिए आगे चलते हैं इसके ऊपर कुछ और सवाल थे चार एक जैसा है कोई तो एक ज्यादा तेज चल रही है कौन है जरा बताओ वाई आई -E -E क्यू वाई यू आई क्यू कौन ज्यादा तेज चल रही है आई सारे के सारे ग्रुप में, में मेल मेंबर थे आई अकेली फीमेल मेंबर है तो इन सब में अलग कौन थी आई थी ए, रुकना ठीक है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन उड़ा देना चलिए जल्दी से उड़ा दीजिए फेंट उड़ा दीजिए <coughs> ऑप्शन डी चलिए देखते हैं देर आर सेवन पर्सन इन फैमिली तीन जनरेशन है दो मैरिड कपल्स है डी इज द फादर इन लॉ ऑफ़ के फादर इन लॉ डी है उनके पापा डी एम के फादर इन लॉ थे एम ने जिसके साथ शादी करी थी उसके पापा डी होने चाहिए ए इज मदर ऑफ जी ए जो है वो जी की मम्मी जी होनी चाहिए ए इज मदर ऑफ जी जे इज नेम का नेफ्यू है तो एम के भाई का या बहन का किसी का तो बेटा होगा hey, की या बहन की बेटी जी होनी चाहिए थी जे इज दीस ऑफ एज दू जी इज दीस ऑफ पी जी आनी चाहिए थी इधर ठीक एस इज ब्रदर इन लॉ ऑफ एम एस जो है वो एम का ब्रदर इन लॉ है पॉसिबिलिटी क्या बनेगी एस एम का ब्रदर इन लॉ है पॉसिबिलिटी क्या बनेगी पॉसिबिलिटी ये बनेगी एम ने जिसके साथ शादी करी है उसका भाई एस होगा पहली पॉसिबिलिटी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी एम की बहन के हस्बैंड एस है दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी दोनों पॉसिबिलिटीज समझ में आ गई ब्रदर इन लॉ जैसे ही सामने आ जाए खट से दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर करो कुछ रखो ही मत ही मत है ना दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी कंसिडर कर ली आगे। J जे इज nephew ऑफ एम ये तो हो गया था जे इज दीज ब्रदर इन लॉफ एम पी इज मदर ऑफ जे पी जो है वो जे की मम्मी जी है पी जे की मम्मी जी है अब जरा ध्यान से देखना P अगर J की मम्मी जी है तो सीधा सीधा है कि M और P सिबलिंग्स होने चाहिए थे M और P सिबलिंग्स होने चाहिए थे उस कंडीशन के हिसाब से इस कंडीशन के हिसाब से M और P सिबलिंग्स होने चाहिए थे पर इधर खेल कुछ और भी हो सकता है पॉसिबिलिटी इधर कुछ और भी बन सकती है तो इधर फिलहाल मैं साइड में नोट डाउन कर लेता हूं कि पी इज मम्मी ऑफ जी ठीक एम है खेल खत्म हो गया उधर ही ये वाला खेल खत्म हो गया एम को कोई सिबलिंग था ही नहीं ये वाली केस कैंसिल हो गई अब मुझे बताओ एम को कोई सिबलिंग है ही नहीं तो जे को एम का नेफ्यू कैसे बनाएंगे हम्म, का अगर कोई सिबलिंग नहीं है तो जे एम का नेफ्यू बनेगा कैसे M का जे ऐसे बनेगा एम ने इसके साथ शादी करी थी इसका जो भी सिबलिंग होगा उसका बेटा एम का नेफ्यू ही कहलाएगा ध्यान से सुनना 2021 में आईबीपीएस पीओ प्रिलिम्स में इस पैटर्न में एक सवाल पूछा जा चुका है 2021 प्रीलिम्स इस पैटर्न में एक सवाल पूछा जा चुका है ठीक है तो इस पैटर्न में थोड़ा सा ध्यान देना वरना हमें जो होती है, उन नॉर्मल आदतों की तरीके से हम करते जाते करते जाते हैं और फिर समझ में आता है अर क्वेश्चन गलत है ऐसे होता नहीं है आईबीपीएस के एग्जामिनेशन में रेयर केस में क्वेश्चन में गलती निकलती है ठीक ओके okay, तो ये भी पैटर्न हो सकता है चलो तो अब जरा दिमाग लगाते हैं इसमें जे की मम्मी जी कौन थी पी तो एस और पी की शादी करानी पड़ेगी जे की मम्मी जी पी थी तो एस और पी की शादी करानी पड़ेगी चलो एस और पी की शादी करा दी ठीक अब पी की निस जी होनी चाहिए थी पी की निस जी कब हो सकती है जब इनकी बेटी जी हो जाए ठीक तो यहां पर यह भी हो जाएगा जी की मम्मी ए थी तो जी की मम्मी जी ए इधर आ जाएगी मेल में लोग कितने दिए थे सात लोग चार और तीन सात हो गए फैमिली ट्री कैसे बनी समझ में आ गया जल्दी से बताओ फैमिली ट्री पूरी की पूरी कैसे बनी समझ में आ गया तो वाई लिख दो hmm. कितने लोगों की फैमिली ट्री एग्जैक्ट ऐसे बनी थी कितने लोगों की फैमिली ट्री एग्जैक्टली ऐसे बनी थी जी का रिलेशन डी के साथ पूछा था तो डी के बेटी की बेटी थी ग्रैंड डॉटर इसका सही आंसर था ठीक है ग्रैंड डॉटर इसका सही आंसर था बी इज द राइट आंसर कुमकुम योर पैराडाइज ठीक है बी इसका सही आंसर है कितने लोगों ने दिया था सिर्फ चौदह परसेंट लोगों ने है।, है ना ठीक ओके गजल अक्षिता डिफॉल्टर बहुत बढ़िया जिन्होंने टाइम लिया है आंसर देने की जल्दबाजी जिन्होंने नहीं करी है आंसर उनके सही आ गए फैंटास्टिक ठीक है आकांक्षा प्रीति स्वाति ध्रुवी फैंटास्टिक बहुत बढ़िया ठीक है इसके ऊपर कुछ और सवाल है कुछ क्रांतिकारी लोगों को इधर डाउट है सर डी के बिना शादी के बच्चे कैसे हो गए अरे इधर बोला है क्या डी अनमेरिड है सिंगल पेरेंट नाम का कॉन्सेप्ट भी तो होता है सिंगल पेरेंट नाम का कॉन्सेप्ट होता है अब हो सकता है इनके मैरिड पार्टनर चल बसे हो ये भी तो हो सकता है ना इधर उधर ज्यादा दिमाग लगा रहे हो जिधर लगाना है पॉसिबिलिटीज में उधर दिमाग लगाओ अमंग द फॉलोइंग आर द चिल्ड्रन ऑफ डी डी के चिल्ड्रन कौन थे डी के चिल्ड्रन ए और एस थे ठीक तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चलिए अगला क्वेश्चन उड़ा दीजिए ए बी सी डी ई जो भी इसका आंसर आता है कमेंट सेक्शन में बता दो ए, 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 ए। ठीक है। मेंबर्स है में एंड तीन जनरेशन है अब आंटी जी मतलब पापा या मम्मी दोनों में से किसी की बहन हो सकती है पी इज आंटी ऑफ टी टी हुई ऑफ एल टी एल का इकलौता नेफ्यू था एल के भाई बहन किसी का भी इकलौता बेटा टी चाहिए था ठीक टी L? इज is the मदर इन लॉ ऑफ जेड जेड की मदर इन लॉ एच है जिसके साथ भी जेड ने शादी करी है एच उसकी मम्मी है एल इज नॉट मैरिड येट एल की शादी नहीं हुई D has three children, among them two are sons and one is the daughter. D को तीन children है एक बेटी है और दो बेटे हैं ठीक Z is mother of T. Z जो है वो T की मम्मी जी होनी चाहिए थी Z जो है वो T की मम्मी जी होनी चाहिए थी अब इसमें possibilities क्या और कैसे consider करेंगे देखो दो possibilities हो सकती है जेड टी की मम्मी जी होनी चाहिए थी ऐसे हो सकता है कि जेड और पी सिबलिंग हो पहली पॉसिबिलिटी जेड टी की मम्मी होनी चाहिए थी तो जेड इधर ही आ सकता है एक पॉसिबिलिटी यह बन सकती है दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि इधर पी का जो सिबलिंग है उसके साथ जेड की शादी हुई है ठीक जेड टी की मम्मी ऐसे भी बन सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये होगी एक पॉसिबिलिटी ये होगी दोनों पॉसिबिलिटीज जब तक आप कंसिडर नहीं करोगे तब तक ब्लड रिलेशन के साथ यारी दोस्ती अच्छी नहीं बनेगी ठीक तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज पार्लली कंसिडर करना जरूरी है ठीक ओके चलिए तो अब जरा यहां पर देख लेते हैं, ठीक है आगे क्या दिया है हमें डी हैज थ्री चिल्ड्रन जेड इज मदर ऑफ टी सारा खेल खत्म अब मुझे बताओ इस इंफॉर्मेशन को वहां पर कनेक्ट करने जाए तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को जो भी हमारे पास है उस इंफॉर्मेशन को यहां पे कनेक्ट करना जाए तो कैसे कर सकते हैं अगर मैं ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन को पहले उठाता हूं ठीक है इस वाले पोर्शन को पहले उठाता हूं अब इसको कनेक्ट करने जाऊं तो ये दो सिबलिंग मुझे इधर दिख रहे हैं ये जो दो सिबलिंग वाला फंडा है Z मम्मी जी थी तो Z फीमेल थी ठीक क्या इन दोनों को मैं D के चिल्ड्रन बना सकता हूं हाँ या ना क्या इन दोनों को मैं D के चिल्ड्रन बना सकता हूं नहीं D को केवल एक ही बेटी थी ये दोनों भी फीमेल है तो बात क्लियर है कि ये दोनों D के चिल्ड्रन नहीं बनेंगे ठीक अब Z की मदर इन लॉ एच थी Z ने जिसके साथ शादी करी थी इसको नीचे ड्रॉ कर लो क्या मैं Z फीमेल है P फीमेल है ठीक और Z T की मम्मी जी है ओके? अब Z की H. Z ने जिसके साथ शादी करी है उनकी मम्मी एच होनी चाहिए ठीक सात में से एक दो तीन चार पांच लोग तो दिख गए ठीक है अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या थी अब हमारे पास इंफॉर्मेशन ये थी कि एल का इकलौता नेफ्यू टी होना चाहिए था ओके और डी के तीन चिल्ड्रन होने चाहिए थे डी के तीन चिल्ड्रन अगर हम करने जाए ध्यान से देखना आप डी को कहां पर कंसीडर करें अगर मैं डी को यहां पे कंसीडर करता हूं पॉसिबिलिटी है डी को यहां पे कंसीडर करता हूं तो दो मेल चिल्ड्रन और एक फीमेल चाइल्ड होनी चाहिए ठीक एक दो तीन चार पांच छ सात फैमिली में सात जगह ऑलरेडी दिख चुकी है एल और टी दोनों अलग जनरेशन में आने चाहिए थे तो एल को हमें इस जनरेशन में कहीं लेना पड़ेगा एल को हमें इस जनरेशन में कहीं लेना पड़ेगा इधर लो इधर लो कहीं पे भी लो लेना पड़ेगा अगर मैं डी को यहां मानता हूं तो फैमिली में आठ लोग हो रहे डी को मैंने यहां कंसिडर किया तो फैमिली में कितने लोग हो रहे हैं आठ लोग हो रहे ठीक ओके चलिए तो डी इधर नहीं आ सकता चलो मान लिया अब मैं मान लेता हूं डी और एच की शादी हो चुके अगर ऐसे मानता हूं तो डी को दो बेटे थे और एक बेटी थी एक दो तीन चार पांच छह सात आठ लोग फिर भी हो रहे हैं इस पूरी स्ट्रक्चर में डी को कहीं पे भी ले लू आठ लोग हो रहे सात लोगों में सारी फैमिली सिमट नहीं रही है ये स्ट्रक्चर कैंसिल हो जाएगा ये फैमिली ट्री कैंसिल हो जाएगी समझ में आ गया तो वाई लिखो समझ में आ गया तो वाई लिखो अब इधर दो सिबलिंग ऑलरेडी दिख रहे मैं डी को अगर इनका पेरेंट कंसिडर कर लू एक फीमेल थी इधर भी मेल आ जाएगा इधर भी मेल आ जाएगा एक दो तीन चार पांच छह लोग ऑलरेडी हो चुके Z की मदर इन लॉ H होनी चाहिए थी Z की शादी जिसके साथ हुई है उसकी मम्मी H होनी चाहिए H फीमेल D मेल अब ध्यान से देखना L का इकलौता बेटा T था L का इकलौता नेफ्यू T था L इधर ले नहीं सकते तो L आ जाएगा इधर L का इकलौता नेफ्यू T सारे लोग हो चुके थे आखिरी पर्सन X बचा था X की शादी Z के साथ हो चुकी है पिक्चर क्लियर सारा का सारा डिस्कशन क्लियर है टेक ए टू जेड सारा डिस्कशन क्लियर है तो फटाफट -फड़ सब लोग बता दो टी का रिलेशन डी के साथ पूछा था तो टी का रिलेशन डी के साथ डी के बेटे का बेटा है यानी ग्रांड सन ठीक है तो ग्रांड सन ऑप्शन ए में सही आंसर था कितने टाइम में आंसर दिया आप लोगों ने जरा देखते हैं शिवी अक्षिता अभिज्ञान महेश भास्कर स्मार्ट बॉय योर पैराडाइज कुमकुम प्रीति मुनाजा आ, वंदना आयोश, गिरिधर डे फैंटास्टिक बहुत बढ़िया सेकंड क्वेश्चन हाउ इज़ जेड रिलेटेड टू डी जेड का रिलेशन डी के साथ क्या होगा किधर गया जेड का रिलेशन डी के साथ डी के बेटे की वाइफ है यानी डाटर इज द ठीक पिक्चर क्लियर आगे चलते हैं आपको एग्जामिनेशन में देखना इसी लेवल के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में इसी लेवल के आसपास हिट एंड ट्रायल करने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे तो जिस जिसने भी इस क्लास में डिस्कस किए हुए क्वेश्चन को समझ लिया एग्जामिनेशन में कोई परेशानी नहीं होगी सी पक्का चलो देखते हैं फैमिली में सात मेंबर्स है तीन जनरेशन है जी इज फादर ऑफ जे एंड सन ऑफ ए ए का बेटा जी है एंड किसके पापा है जे के पापा है ए हु इज़ वाइफ ऑफ पी ए कौन है पी की वाइफ है ठीक डी इज द मैटर्नल ग्रैंड डॉटर ऑफ पी डी इज maternal granddaughter डॉटर ऑफ पी पी के बेटे की बेटी डी होनी चाहिए Maternal granddaughter डॉटर क्या होता ही है बेटी की बेटी तो डी कौन होनी चाहिए थी पी के बेटी की बेटी होनी चाहिए थी आगे देखते हैं एस इज मदर ऑफ डी एस जो है वो डी की मम्मी जी होनी चाहिए थी एंड एम इज द वाइफ ऑफ जी क्या बात है हो गया यह आसान था अभी पिछले दो क्वेश्चन हमने देखे उन दोनों के कंपेरिजन में यह आसान था ठीक है चलिए हाउ इजे रिलेटेड टू डी जे का रिलेशन डी के साथ क्या है जे डी का कजिन है अब कजिन में मेल या हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता कजिन कजिन होता है ठीक ओके सो सी इज द राइट आंसर 93% परसेंट लोगों का आंसर सही है दीक्षा डिफॉल्टर तनु मिश्रा योर पैराडाइज भास्कर वंदना काजल शिवी प्राची मुनाजा प्राची, सुमैया नंदिनी शैलिनी कुमकुम प्रीति पटेल, आयुष प्रीति गिरिधर डे गजल फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया आगे चलते हैं। चार एक जैसा कोई तो ज्यादा तेज चल रही है ए एम एस एम एस जी डी एम एस जी डी ठीक है तो इसमें सारी फीमेल है सिवाय जी के तो ऑड वन आउट कौन होगा जी ठीक तो जी इज राइट आंसर ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन उड़ा दीजिए चलो जल्दी से उड़ा दो फटाफट आज के क्लास के बाद ब्लड रिलेशन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ब्लड रिलेशन परेशान इस क्लास के बाद नहीं करना चाहिए ऑप्शन डी ओके अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ सेवन मेंबर्स फैमिली में सात मेंबर्स है ओके एंड थ्री मैरिड कपल्स सात मेंबर्स है थ्री मैरिड कपल्स है आर इज पैटर्नल अंकल ऑफ के के हु इज मैरिड टू ओ के ने ओ के साथ शादी करी है और आर के के पैटर्नल अंकल थे पैटर्नल अंकल यानी पापा के भाई तो के के पापा के भाई आर होने चाहिए थे यू इज द मदर इन लॉ फो ओ की मदर इन लॉ यू होनी चाहिए थी तो ओ ने जिसके साथ शादी करी है उनकी मम्मी जी यू होनी चाहिए ओ की शादी जिसके साथ हुई उनकी मम्मी यू ठीक यू इज मदर इन लॉ फो ई हैज ओनली वन किड ई को केवल एक ही किड है ठीक सेम जेंडर ओके एंड यू का जेंडर सेम है यू फीमेल ओ फीमेल तो के मेल होना चाहिए यानी के के पापा की मम्मी बी है आर इज द सन ऑफ एच आर एच का बेटा है इसका मतलब एच एंड बी की शादी हुई है बी फीमेल एच मेल चार तीन सात ठीक सारे लोग हो चुके थे आखिरी पर्सन कौन बचा था आखिरी पर्सन कौन बचा था अरे ई बचा था आखिरी पर्सन ई बचा था ई आ जाएगा इधर ठीक शादी ये लोग करें और दिमाग आपका खराब करे सैलरी कौन लेगा आप लोग ये लेंगे हैं शादी ये लोग करें और दिमाग आपका खरे बात तो सही है बस एक बात बता दो सैलरी ये लोग लेंगे कि आप लोग लोगे सैलरी तो आप ही लोग हैं ना बताओ ओ का रिलेशन ई के साथ बताना था ओ के बेटे की वाइफ थी बेटे की वाइफ कौन होती है डॉटर इन लॉ ठीक है, है? चलिए है। आगे चलते हैं फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग एच आर ई यू के सारे मेल मेंबर्स है सिवाय यू के ठीक है तो यू इज ऑड वन आउट ठीक डी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल है छोटू सा ही दिख रहा है ए, रुको. क्या आंसर था इसका इसका आंसर ऑप्शन डी था ठीक 84 परसेंट लोगों का आंसर सही था साक्षी रस्तोगी पीहू कुमारी मेडिटेशन शैलिनी प्रदीप यादव तनु मिश्रा शिवी हर्षिता भास्कर दीक्षा नंदिनी बहुत बढ़िया ठीक आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर उड़ा दीजिए A, C ए सी ए सी A, A. A पप्पा जी है जी के बट जी इज नॉट सन बेटा नहीं है तो बेटी होगी एम इज डॉटर ऑफ जी पी इज स्पाउस ऑफ ए स्पाउस का मतलब मैरिड पार्टनर ए मेल था पी फीमेल होगी डी इज ब्रदर ऑफ जी डी जो है वो जी का भाई है ठीक है डी इज ब्रदर ऑफ जी एस इज स्पाउस ऑफ डी एस डी का स्पाउस है spouse मतलब जिसके भी साथ शादी करो है ना डी मेल था तो एस फीमेल हो गई वी इज फादर ऑफ एस वी जो है वो एस के पप्पा जी है बहुत सिंपल ब्लड रिलेशन हाउ इज जे रिलेटेड टू वी जे का रिलेशन वी के साथ क्या था जे ही, ही नहीं डायग्राम में जे इज सन ऑफ डी जे डी का बेटा है है ना तो जे वी का बेटा था तो जे इज सन ऑफ वी तो जे का जे uh, का रिलेशन वी के साथ क्या था वी के बेटी का बेटा था यानी ग्रैंडसन सन होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर

प्रदीप नमेश वंदना दिव्या कुमकुम शिवी आराध्या योर पैराडाइज अजमत शैलिनी कुमकुम कुमारी शिवानी फैंटास्टिक बहुत बढ़िया आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर उड़ा दीजिए चलिए उड़ा दीजिए मैटरनल ग्रांडसन अलग ऑप्शन था क्या लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन एक बार फिर से देख लेंगे अभी इस क्वेश्चन पर फोकस करो लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन फिर से एक बार देख लेंगे फिलहाल इस क्वेश्चन पर फोकस करिए जी इंग्लिश लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो मनाबिका जी इंग्लिश लैंग्वेज में आप एग्जाम बिल्कुल दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और मुझे आज कुछ कुछ नए नाम दिख रहे जो भी नए लोगों जिन लोगों ने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो सचिन सर बी डब्ल्यू सचिन सर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो इसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है ओके चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे आठ पर्सन तीन जनरेशन में फैमिली में एंड टू मैरिड कपल्स एस इज द सन इन लॉ ऑफ जी जी का सन इन लॉ एस था यानी जी के बेटी के हस्बैंड एस होने चाहिए एज ए सन इन लॉ जी जी हु हैज थ्री चिल्ड्रन जी को तीन चिल्ड्रन है पहला दूसरा तीसरा एन इज द नेफ्यू ऑफ के के का नेफ्यू एन है यानी के के भाई बहन किसी का तो बेटा एन होना चाहिए एन इज द नेफ्यू ऑफ के जेड इज द फादर ऑफ आई जेड आई के पप्पा है ठीक जेड इज द फादर ऑफ आई आई हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ वी आई वी की सिस्टर इन लॉ है सिस्टर इन लॉ किसकी वी की वी इज द ओनली डॉटर ऑफ जी जी की इकलौती बेटी है आई आय इकलौती बेटी जी की इधर दोनों बेटे आ जाएंगे आय वी की सिस्टर इन लॉ थी इसका मतलब ऐसा और वी सिबलिंग आ जाएंगे। के भाई की वाइफ पॉसिबिलिटी बन सकती है ठीक दूसरी एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है आय के भाई में से कोई वी के साथ शादी कर लिया होगा पॉसिबिलिटी ये भी बनती है आय वी की सिस्टर इन लॉ कैसे बन सकती है वी के भाई की वाइफ बनकर या फिर आई वी की सिस्टर इन लॉ कैसे बन सकती है वी के इन दोनों में से किसी की शादी करा देते और फिर आई वैसे सिस्टर इन लॉ बन जाए दोनों पॉसिबिलिटीज बन रही आगे देखते हैं वे इज द ओनली डॉटर ऑफ जी जी फादर ऑफ क्यू जी हु इज द फादर ऑफ क्यू जी और जी क्यू के पापा है ठीक चलो जी पप्पा जी थे तो जी मेल मेंबर होनी चाहिए क्यू एंड आई डोंट एनी चिल्ड्रन एस आई एंड आर एस एंड आई आर नॉट सिबलिंग एस और आई सिबलिंग नहीं है चलो ठीक है अच्छी बात है ओके okay? तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि के का नेफ्यू एन होना चाहिए था मैं के को इधर कंसिडर करूं और एन को इसका बेटा कंसिडर करूं तो सारी चीजें हो जाएगी दिक्कत हो जाएगी दिक्कत हो जाएगी क्या दिक्कत हो जाएगी इसमें इस फैमिली ट्री में क्या दिक्कत हो गई है जरा बताओ इस फैमिली ट्री में दिक्कत यह हो गई है आय को आय के पापा हमने जी कंसिडर कर लिया है ठीक है कुछ कंडीशन मिस हो गई है केस में लेट मी चेक एस एसेस द सन इन लॉ ऑफ जीजी हु हैज थ्री चिल्ड्रन एन इज द नेफ्यू ऑफ के जेड इज द फादर ऑफ आई जेड इज द फादर ऑफ आई आई यहां ले नहीं पाएंगे ठीक है जेड आई के पापा जी थे तो आई को यहां पर लेना गलत हो जाएगा ठीक चलो जी को दो बेटे एक बेटी थी यहां तक ठीक ओके हा आई हु ओनली डॉटर ऑफ जी वी जी की इकलौती बेटी थी अच्छा वी इधर लेना था वी इज द ओनली डॉटर ऑफ जी ठीक जी इज़ द फादर ऑफ क्यू जी पापा थे क्यू के अब आई वी की सिस्टर इन लॉ कैसे बन सकती है ऐसे बन सकती है ठीक पहली पॉसिबिलिटी ये हो जाएगी पहली पॉसिबिलिटी यह हो जाएगी कि एस की सिबलिंग हो जाएगी आई सिस्टर इन लॉ बन गई दूसरी पॉसिबिलिटी यह हो सकती है कि वी के किसी भाई के साथ शादी कर ले के के किसी भाई के साथ शादी कर ले तब भी आई वी की सिस्टर इन लॉ बन सकती है अब हमें देखना यह है कि आई वी की सिस्टर इन लॉ ऐसे बनेगी या इनमें से किसी के साथ शादी करके बनेगी ठीक आगे देखते हैं एस एंड आई आर नॉट सिबलिंग लास्ट लाइन में बताया था कि एस और आई सिबलिंग नहीं है आई की यह पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी अब या तो आई इसके साथ शादी करेगी नहीं तो इसके साथ शादी करेगी आई किसके साथ शादी करेगी यह बता दो आप चलो आई इन दोनों में से किसके साथ शादी करेगी क्यू एंड आई हैव एनी चिल्ड्रन ठीक एस एंड आई आर नॉट सिबलिंग के इज अनमेरिड बोला के की शादी नहीं हुई है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि इधर हमें के को करते हैं क्यू को इधर करते हैं उसके साथ आई की शादी करा देते हैं के की शादी हुई नहीं थी ठीक अब आई के पप्पा जी कौन थे आई के पप्पा जी थे सारी की सारी पिक्चर बन गई अब के का एन था। के का नेफ्यू एन था आई एंड क्यू को कोई चाइल्ड नहीं था तो एन किसका चाइल्ड होना चाहिए था वी और एस का पिक्चर क्लियर पिक्चर क्लियर ए टू जेड सारी की सारी चीजें क्लियर है बताइए अब हाउ इज एन रिलेटेड टू क्यू एन का रिलेशन क्यू के साथ क्या है क्यू की बहन का बेटा बहन का बेटा कौन होता है नेफ्यू है ना? तो सी इज द राइट आंसर कितने लोगों की ट्री एग्जैक्ट ऐसे बनी थी कितने लोगों की ट्री एग्जैक्ट ऐसे बनी थी जल्दी से बताओ हंड्रेड परसेंट लोगों का आंसर शैलिनी गिरिधर डे प्रीति पटेल दिव्या शिवी गजल अनुप्रिया आराध्या बहुत बढ़िया हाउ इज आई रिलेटेड टू जी आई का रिलेशन जी के साथ क्या है आई जी के बेटे की वाइफ है बेटे की वाइफ कौन होती है बेटे की वाइफ कानूनी बेटी होती है है ना डॉटर इन लॉ सेम ठीक चलो अभी ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं फटाफट उड़ा देते हैं ठीक है, है? आ, ये रहा अगला क्वेश्चन जल्दी से बता दो चलो फटाफट सॉल्व करो अब स्पीड पकड़ी है जल्दी से स्पीड पकड़ी है ऑप्शन डी डी और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है चलो <coughs> आठ मेंबर्स है फैमिली में uh, तीन जनरेशन है इक्वल मेल एंड इक्वल फीमेल चार मेल चार फीमेल के डज नॉट बिलोंग टू यंगेस्ट जनरेशन के थर्ड जनरेशन में नहीं है थर्ड जनरेशन में के नहीं है चलो ठीक एन इज द फादर इन लॉ ऑफ क्यूज डॉटर एन फादर इन लॉ थे किसके फादर इन लॉ थे क्यू के बेटी के फादर इन लॉ थे ठीक है तो क्यू की जो भी बेटी होगी क्यू की जो भी बेटी होगी उसके फादर इन लॉ एन होने चाहिए थे यानी क्यू की बेटी जिसके साथ शादी करी होगी उसके पापा एन होने चाहिए थे पिक्चर समझ में आ गई एन इज फादर इन लॉ ऑफ क्यूज डॉटर क्यू इज मैरिड टू द डॉटर ऑफ डब्ल्यू क्यू की शादी W की बेटी से हुई है W की बेटी से क्यों की शादी हुई है ये, ये हो गया। T इज द maternal ग्रैंड फादर ऑफ E के मम्मी के पापा टी थे E के मम्मी के पापा टी थे E हु इज द सन इन लॉ ऑफ H? E सन इन लॉ है किसका H का एच का सन इन लॉ ई है इसका मतलब एच की बेटी के साथ ई e शादी किया है ठीक बी इज द डॉटर ऑफ एच बी एच की डॉटर है कैसे फिट करेंगे मुझे बताओ वो वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन फिट कैसे करोगे बताना क्या हमारे पास कोई कॉमन लिंक मिल रहा है दोनों केसेस में क्या हमारे पास कोई कॉमन लिंक है बताइए इन दोनों में कुछ कॉमन लिंक दिख रहा है फैमिली में जनरेशन कितनी थी तीन देखो फैमिली में तीन जनरेशन थी पहली जेनरेशन दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन पिक्चर तो क्लियर हो गई ए एंड e तीसरी जनरेशन में आ रहे है ना पहली जनरेशन दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन हमें यहां पर दिखी तो ई ए एंड बी को यही पर लेना चाहिए था यहां से क्लियर हो गया बी फीमेल मेंबर थी बी फीमेल मेंबर इधर आ गई मेल मेंबर है मेल मेंबर इधर आ गया बी किसकी बेटी थी एच की बेटी थी अब एच की बेटी बी है यानी एच इधर आ जाएगा ठीक अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ई के मम्मी के पापा टी थे ई के मम्मी के पापा टी थे फैमिली में लोग आठ बोले थे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आठ के आठ लोग हो गए आखिरी पर्सन के बचे हुए थे इधर आ जाएंगे एन और के की शादी हो गई ठीक अब हमें डब्ल्यू का जेंडर फाइनल करना है कैसे करेंगे फैमिली में चार मेल मेंबर थे चार फीमेल थे एक दो तीन चार मेल मेंबर हो गए तो डब्ल्यू फीमेल होनी चाहिए थी चकाचक क्लियर कितने लोगों को पूरी की पूरी ट्री क्लियर हो गई है जल्दी वाई लिख दो जिन जिन को फैमिली ट्री पूरी क्लियर हो गई है वाई लिख देना हाउ इज ई रिलेटेड टू एच ई का रिलेशन एच के साथ क्या है तो एच के बेटी के हस्बैंड है बेटी के हस्बैंड कौन है सन इन लॉ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक अरे चलना थर्टी नाइन परसेंट लोगों का आंसर सिर्फ सही था बाकी लोग थोड़ा सा ध्यान दो मुस्कान जी बहुत बढ़िया भास्कर शैलिनी ओ फोर ओ फाइव अक्षिता आराध्या मायरा नमेश दीक्षा ध्रुवी सोनाली आकांक्षा श्रद्धा त्रिषा साक्षी बहुत बढ़िया बाकी लोग फोकस करो W का रिलेशन B के साथ पूछा है तो W B के मम्मी की मम्मी है मम्मी की मम्मी ग्रैंड मदर मैटर्नल ग्रैंड मदर टू बी प्रिसाइज ग्रैंड मदर और मैटरनल ग्रैंड मदर से किसको प्रियोरिटी देंगे मैटर्नल ग्रैंड मदर को प्रियोरिटी देंगे डी इज द राइट आंसर ऐसा ही कुछ इधर हुआ था क्या ऐसा ही कुछ इधर हुआ था हाउ इज आई रिलेटेड टू जी ठीक चलिए आगे चलिए आगे अगला क्वेश्चन उड़ा दीजिए जल्दी से उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट अरे 2024 का अगर टारगेट है तो 50 परसेंट प्रिलिम्स की हंड्रेड परसेंट हो जाएगा अभी से अगर टारगेट मतलब अभी से पढ़ना चालू करते हो तो 2024 तक सारा का सारा क्लियर हो जाएगा शैलिनी जोशी भास्कर अक्षिता शिवी चौधरी भास्कर फिर से आंसर दे रहे दीक्षा यांतिशा वंदना तनु

इफ जेड होगी बी इज फादर ऑफ आर आर हु इज द सिस्टर ऑफ व्हीज ग्रैंड सन अरे रे, कुछ ज्यादा ही इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें बी आर के पप्पा जी थे आर हु इज द सिस्टर ऑफ व्हीज ग्रांडसन आर सिस्टर है किसकी सिस्टर है वी के ग्रैंड सन की सिस्टर है वी इज मदर इन लॉ ऑफ एफ वी मदर इन लॉ है एफ की यानी एफ ने जिसके साथ शादी करी है उनकी मम्मी जी भी है ठीक ये देखकर ऐसा लग रहा है क्या मुझे देखो ऐसा लग रहा है अब क्या होता है ना जब प्रैक्टिस हो जाती है तब हमें कुछ कुछ चीज ऐसे लगती है कि ये ऐसा हो सकता है ठीक अब ये देख के मुझे लग रहा है शायद भी इधर आ जाए रीजन बी का चाइल्ड आर है और वी का ग्रैंड सन आर का सिबलिंग है अगर बी इधर ले लिया और मैंने आर ऐसे कंसिडर कर लिया तो शायद कम हो जाए ऐसा मुझे लग रहा है नहीं हुआ तो मैं दूसरी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करूंगा बट अभी के लिए तो ऐसे ही लग रहा है ठीक आगे देखिए एफ वी इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ एफ डज नॉट को कोई सिबलिंग नहीं है तो एक पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई किसकी जेड की, Z की? कौन सी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई Z, F की सिस्टर इन लॉ थी इसका मतलब F के भाई की वाइफ Z हो। जो हो सकती थी, F के भाई की वाइफ Z होकर सिस्टर इन लॉ जो बन सकती थी यह पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी क्यों कैंसिल हो जाएगी क्योंकि F को कोई सिबलिंग नहीं है तो पिक्चर क्लियर है सर पिक्चर क्लियर है एफ ने जिसके साथ शादी करी उसकी बहन जेड होनी चाहिए Z F की सिस्टर इन लॉ ठीक है? अभी तक तो मुझे सारी चीजें सॉर्टेड शादी कर ली मेल एक दो तीन चार पांच छह सात एन का जेंडर बताओ सब लोग फैमिली में सात थे सात हो गए एन का जेंडर बताइए सभी लोग हाउ इज रिलेटेड टू एन जेड का रिलेशन एन के साथ क्या है एन के पापा की बहन है यानी पैटर्नल आंटी सी ऑप्शन में दिया था सी इज दी इज आंसर 92 परसेंट लोगों का आंसर सही है शैलिनी अक्षिता शिवी या वंदना तनु मिश्रा योर पैराडाइज अच्छे टाइम के अंदर सॉल्व कर रहा हूं मायरा मुनाजा नंदिनी आकाश दत्ता नमेश बहुत ही बढ़िया शानदार ठीक है ओके चलिए एन का जेंडर हमें कहां से पता चल रहा है एन का जेंडर हमें यहां से पता चल रहा है आर इज हु को एक ग्रैंडसन होना चाहिए था वहां से हमें पता चला एन मेल मेंबर होगा एफ का रिलेशन जे के साथ क्या है तो एफ का रिलेशन जे के साथ जे के बेटे की वाइफ है बेटे की वाइफ कौन होती है कानूनी बेटी ठीक ब्लड रिलेशन आज के सेशन में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया अच्छे से क्लियर हो गया है। ब्लड रिलेशन अच्छे से क्लियर हो गया सबको बताओ ब्लड रिलेशन की क्लास आज की क्लास के ये होमवर्क का क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं रूम पर पहुंच जाऊ इससे पहले आप सभी के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देखने चाहिए ठीक है कल जो जो आपने कमेंट किए थे मैंने सबके होमवर्क चेक किए हैं जिन जिन के आंसर सही थे उनको मैंने लाइक like भी किया है ठीक ये होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे रूम पर पहुंचने से पहले चाहिए वरना पचास पचास कोस दूर जब कोई होमवर्क नहीं कहता है तो मम्मी कहती है बेटा होमवर्क कर ले नहीं तो सपने में वो खूंखार मास्टर आ जाएगा ठीक है तो जिन जिन लोगों ने देखो चीजें अच्छी होती अच्छी आदत होती है कि जो भी चीज की हम शुरुआत करें उसको पूरी तरीके से खत्म करें ठीक है तो इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम पर सर्च करिएगा बी डब्ल्यू सचिन सर टेलीग्राम पर सर्च करिएगा बी डब्ल्यू सचिन सर वहां पर आपको इसकी पी मिल जाएगी और वहां से आप सारे प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है तो ये टेलीग्राम चैनल पर इसकी पी आपको अवेलेबल हो जाएगी ओके आज के सेशन में पूरा का पूरा डिस्कशन क्लियर है सेशन को एंजॉय किया है तो चैट सेक्शन में आग लगा दो फटाफट है ना हम कल फिर मिलेंगे आई बी पी एस पी ओ को कॉन्फिडेंस के साथ क्लियर करने के लिए सो द्ट फ्रॉम माई साइड इन दिस सेशन थैंक यू टेक केयर सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम बाय बाएं टेक केयर